सेक्टर्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। बेटा इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि अगर हम इकोनॉमिक्स एज अ होल की बात करते हैं तो उसके अलग अलग सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सो इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इन थ्री मेन सेक्टर्स। तीन सेक्टर्स में हम इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा पहला सेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। बेटा व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या हुआ? द सेक्टर विच इज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है, लाइक माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर, इसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सो द सेक्टर दैट एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज से लिंक्ड होता है, दैट सेक्टर इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्टर। इफ एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ नेशनल इनकम, इट इज कॉल्ड एज एग्रेरियन इकोनॉमी। तो एक बात देखो ध्यान से जरा बेटा, इफ आई गो अहेड एंड आई टेक द इकोनॉमी एज अ होल, मैं पूरी इकोनॉमी ले दू, हाँ, और अगर मैं बोलूं कि इस इकोनॉमी में मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा लोग को जो जॉब्स मिल रही हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिल रही हैं, और इकोनॉमी में जो जीडीपी हो रहा है उसका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, जीडीपी माने इनकम, नेशनल इनकम, तो पूरी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है वो मोर देन 50% एग्रीकल्चरल सेक्टर उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, देन बेटा दैट इज नोन एज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। पढ़ो एक बार ध्यान से, इफ एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन हाफ ऑफ नेशनल इनकम एंड लाइवलीहुड, अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर मोर देन हाफ नेशनल इनकम और लाइवलीहुड में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, देन बेटा दैट इज नोन एज एग्रेरियन इकोनॉमी, इट इज कॉल्ड एज एग्रेरियन इकोनॉमी। नाउ इन सेक्टर्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमीज, द सेकेंड पार्ट दैट आई हैव इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर। बेटा सेकेंडरी सेक्टर मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर को? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो बेटा व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर आल्सो कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब कि क्या? वो जो इंडस्ट्रीज का काम जहां पे होता है, जहां पे रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ बेसिक एग्जाम्पल, जैसे बेटा आई टेल यू कि देर इज अ फार्म, यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन हो रही है, कॉटन ग्रो कर रहे हैं, और इस कॉटन को फिर हम एक फैक्ट्री में लेकर जा रहे हैं और यहाँ पे इससे हम क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये जो फैक्ट्री है जो रॉ मटेरियल यूज कर रही है यहाँ से, राइट, इट इज यूजिंग द रॉ मटेरियल ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ये रॉ मटेरियल यूज कर रही है यहाँ से, और उसके बाद इट इज मेकिंग इट इनटू अ प्रोसेस्ड गुड, उसको वो फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रही है, देन बेटा दैट इज नोन एज अ सेकेंडरी सेक्टर, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। लेट्स रीड इट आउट बेटा। रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड प्रोसेस्ड। जब आप प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल उठाते हो और उसको प्रोसेस करते हो तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। फिर सेम ही बात है बेटा, दैट इफ एन इकोनॉमी ब्रिंग्स हाफ ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, अगर एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे आधे से ज्यादा लोगों को जो जॉब मिल रही है वो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिल रही है, वो इंडस्ट्रीज में मिल रही है, और ये ऐसी इकोनॉमी है जहां पे जो हमारी नेशनल इनकम है वो आधे से ज्यादा यहां से आ रही है, देन इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, उसको क्या बोला जाएगा बेटा? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ठीक है, नाउ द थर्ड सेक्टर दैट वी हैव बेटा, दैट थर्ड सेक्टर इज कॉल्ड एज द टर्शरी सेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी सेक्टर। बेटा टर्शरी मींस सर्विसेज, तो जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ, दिस इज द टर्शरी सेक्टर, जहां पर भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, विच एवर सेक्टर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द सर्विसेज सेक्टर, जब सर्विस सेक्टर में होती हैं तो बेटा इट इज नोन एज टर्शरी सेक्टर, उसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। सो एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, ये सब हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है। फिर सेम ही चीज लिखिए कि अगर मेरी इकोनॉमी में मोर देन 50% लोगों को जो जॉब्स मिल रही हैं और जो नेशनल इनकम है वो अगर सर्विस सेक्टर से आती है, इफ इट कम्स फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, तो बेटा उसको हम सर्विस इकोनॉमी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस इकोनॉमी। क्लियर हो गई बात? ये एकदम क्लियर है। अच्छा नाउ बेटा, विद इन द सर्विस सेक्टर और द टर्शरी सेक्टर वी हैव टू सब डिविजन्स।
दो डिवीजन हैं इस सर्विस सेक्टर के अंडर। तो पहला हमारा हो जाता है बेटा क्वाटेनरी सेक्टर और दूसरा हो जाता है क्यूनरी सेक्टर। क्वाटेनरी सेक्टर क्या है? क्वाटेनरी सेक्टर, सो बेटा क्वाटेनरी सेक्टर इज व्हाट? क्वाटेनरी सेक्टर बेसिकली इज नथिंग बट द नॉलेज सेक्टर और द एजुकेशनल सेक्टर। इट इंक्लूड्स R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इट डिफाइन्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हाट इज द क्वालिटी? हाउ गुड और बैड द ह्यूमन रिसोर्सेज आर, दैट इज व्हाट इट डिफाइन्स। बट दूसरा सेक्टर होता है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर मतलब कि जो भी सेक्टर सारे टॉप डिसीजंस करता है, व्हाट एवर विच एवर सेक्टर मेक्स ऑल टॉप डिसीजंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बताना कि कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, कौन सी फिस्कल पॉलिसी आएगी, कौन से लॉज इकोनॉमी में आएंगे। तो जितने भी सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी की, वॉट एवर आर द सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स, जो भी ब्रेन यूज होती है सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स के पीछे, दैट इज बेसिकली योर क्विनरी सेक्टर। उसको हम क्विनरी सेक्टर बोलते हैं। सो व्हाट डज इट सेज बेटा? ऑल एक्टिविटीज वेयर टॉप डिसीजंस आर मेड, जो भी टॉप डिसीजन लिए जाते हैं वो वाला सेक्टर। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन द गवर्नमेंट, जहां पे भी हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व आर वेरी लो, बहुत ही कम लोग होते हैं इसमें। ब्रेन बिहाइंड सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जहां पे भी सारा हमारा सोशल इकोनॉमिक जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, दैट इज द क्विनरी सेक्टर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।